हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अरविंद कुमार। आज का हमारा टॉपिक है गोइटर। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइटर। गोइटर होता है थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग। हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है जो नॉर्मली विजिबल नहीं होता, लेकिन अगर उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाए तो वो ग्रॉसली विजिबल होता है। तो अब ये थायराइड स्वेलिंग के रीजंस क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसकी स्वेलिंग को कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो थायराइड है वो T3 T4 नाम के हार्मोन्स बनाता है और ये कंट्रोल करता है TSH जो कि ब्रेन में पिट्यूटरी से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस थायराइड की स्वेलिंग के जो रीजंस हो सकते हैं वो है कि अगर थायराइड TSH का लेवल बढ़ गया है, TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उसका लेवल बढ़ने से थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो सकती है। अब ये TSH किन किन कंडीशंस में इंक्रीज हो सकता है, तो इसके इंक्रीज होने के रीजंस हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखा था, जब थायराइड का वीडियो आप ये जरूर देखिए वीडियो, तो थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन चाहिए। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो थायराइड हार्मोन्स कम बनेंगे, तो ब्रेन सिग्नल देगा कि TSH ज़्यादा बनना है। तो TSH जब ज़्यादा बनेगा तो थायराइड टिश्यू की स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो गया नंबर वन रीज़न, आयोडीन डेफिशिएंसी। दूसरा कारण होता है कि अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ऑटो इम्यून डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऑटो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, तो सेम सिग्नल जाएगा ब्रेन को TSH ज़्यादा रिलीज करने का। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हैशीमेटोस थायरोडाइटिस और हैशीमेटोस डिजीज़। तीसरा कॉज है ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव्स थायरोडाइटिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा थायराइड है ये ओवर एक्टिव हो गया है, और ओवर एक्टिव होने से इसके टिश्यू की ग्रोथ हो गई है और ये ज़्यादा T3 T4 को बॉडी में रिलीज कर रहा है। अगेन ये भी एक ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है। फोर्थ कॉज इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का जो मेन रीज़न होता है थायराइड में वो है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और उसमें पेन भी होता है। इसको हम बोलते हैं सब एक्यूट थायरोडाइटिस। नेक्स्ट कॉज इज अगर थायराइड के अंदर नोड्यूल बनना फॉर्म हो जाए, उससे भी थायराइड का साइज बढ़ जाता है। अगला कॉज है थायराइड का कैंसर। थायराइड के कैंसर से थायराइड ग्लैंड में विजिबल स्वेलिंग दिख सकती है। एंड ऑफ कोर्स फिजियोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है और वो है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो कि TSH जैसे होते हैं, TSH को मिमिक करते हैं और थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग को कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ टेम्प्रेरी स्वेलिंग। अब किस तरह के टाइप्स हो सकते हैं इस स्वेलिंग के, तो ये जो स्वेलिंग है ये तीन तरह की हो सकती हैं। एक है कोलॉइड गोइटर। तो कोलॉइड गोइटर का मतलब है कि डिफ्यूजली थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ है, थायराइड ग्लैंड की जो लोब्स होती है वो दोनों तरफ की इनलार्ज हो रखी हैं, दैट इज नोन एज अ कोलॉइड गोइटर। और ज़्यादातर केसेस में ये बिनाइन होता है और इसकी कंडीशन वही है जो हमने डिस्कस किए, जैसे कि हैशीमेटोस थायरोडाइटिस हो गया, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई। सेकंड होता है नोड्यूल, इसे हम बोलते हैं नोड्यूलर थायराइड इनलार्जमेंट। ये दो तरीके का हो सकता है। एक है कि जो नोड्यूल है वो साइलेंट पड़ा हुआ है, वो थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा है, उसे हम बोलते हैं नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक मतलब कि वो साइलेंट है, थायराइड हार्मोन्स को ज़्यादा नहीं बना रहा है। और दूसरा होता है टॉक्सिक, टॉक्सिक नोड्यूल, दैट मीन्स कि वो थायराइड हार्मोन को ज़्यादा रिलीज करवा रहा है, T3 T4 बॉडी में ज़्यादा होंगे, तो दैट इज़ अ टॉक्सिक नोड्यूलर थायराइड ग्लैंड। और तीसरा होता है मल्टी नोड्यूलर ग्लैंड। मल्टी नोड्यूलर मतलब कि मल्टीपल नोड्यूल्स बन गए हैं और वो थायराइड हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं। तो ये तीन तरह के कॉजेज हैं, टाइप्स हैं थायराइड ग्लैंड बढ़ने के गोइटर के। पहला है कोलॉइड, दूसरा है सिंगल नोड्यूलर जो कि फर्दर नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक हो सकता है, और तीसरा होता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर।
तो अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं थायराइड ग्लैंड के, ऑफकोर्स पहला सिम्टम्स को आपको यही लगेगा कि थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो गया है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को आप कंसल्ट करिए ताकि आपका किस टाइप का थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो के ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस और डाउट हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।